गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेसन नंबर 4 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स कर लिए थे। आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके नरेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। हमने जो बुक में मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है उनमें से एनी 4 पॉइंट्स जो है वो देख करके इसमें लिखने हैं, यानी एनी 4 पॉइंट्स बुक में से इसमें आएंगे आपके। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मास्लोज लव ऑफ बिलोंगिंग नीड्स, यानी जो मास्लो की थ्योरी है, मास्लो की थ्योरी के जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं बुक में, उनमें आपको पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट एक्सप्लेन करना है इस आंसर में। तो आपका जो लव ऑफ बिलोंगिंग्स वाला जो नीड है उसका कंप्लीट आंसर आएगा एक्सप्लेन, पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 3 का। इसके बाद है, स्टेट द मेन अजम्पशन ऑफ मैकग्रेगर्स वाई थ्योरी। तो इसमें जो मेन अजम्पशंस दे रखे हैं आपके वाई थ्योरी के, ये वाई थ्योरी के पॉइंट नंबर 1-7 इसमें आंसर आएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द मेन अजम्पशन ऑफ मैकग्रेगर्स एक्स थ्योरी। इसमें हमने वाई थ्योरी के 1-7 पॉइंट्स लिखने हैं और इस क्वेश्चन के आंसर में हमको एक्स थ्योरी के 1-7 पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो इस आंसर में लिखने हैं। इसके बाद है हमारा 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो इसमें आपके आंसर में जो आपके नोट्स में मैंने फाइनेंशियल मोटिवेशन जो टेक्निक है उसका जो पैराग्राफ लिखवा रखा है, वो फाइनेंशियल मोटिवेशन टेक्निक का जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें आपको जो आंसर लगाना है वो फाइनेंशियल मोटिवेशन टेक्निक्स का कंप्लीट पैराग्राफ लगाना है। 6th क्वेश्चन है, नरेट द मेन पॉइंट्स ऑफ हाइजीन एंड मोटिवेटिंग फैक्टर। तो इसमें आपके जो हाइजीन फैक्टर नोट्स में अपन ने लिखे हैं, हाइजीन फैक्टर जो लिखे हैं 1-8 पॉइंट्स वो इसमें लिखने हैं, और मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमने नोट्स में लिखे हैं 1-6 पॉइंट वो इसका आंसर आएगा। यानी हमारे फर्स्ट लेसन से लेकर के 4th लेसन तक के हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हम कर चुके हैं। अब इसके आगे वाली क्लास में, यानी आगे वाले लेक्चर में, हम लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे।